बिहार के संविदा कर्मचारियों को लेकर एक बार फिर बड़ी खबर आ रही है। तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों के साथ साथ आउटसोर्स अवर्गीकृत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के साथ साथ आउटसोर्स पे काम कर रही महिला कर्मचारियों में आशा आंगनबाड़ी रसोईया को लेकर बहुत ही बड़ी खबर के साथ साथ बहुत ही अच्छी खबर है। जिस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं कि इन दिनों लगातार सरकार कई अहम बड़े फैसले जो हैं लगातार केंद्र से लेकर के और राज्य तक ले रही है, ऐसे में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार भी कुछ हद तक सक्रिय हुए हैं। और आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों के जो पूर्व मुख्य सचिव वाली जो कमेटी थी जिनका अध्यक्षता जो है अशोक कुमार चौधरी के प्रारूप में हो रही थी, ये बात आप लोग में से बहुत लोग नहीं जानते होंगे। आप लोगों के काम होते हैं उनके बारे में भी जानकारी आप लोगों को नहीं होती है एक्चुअली में। तो सरकार आप लोग के लिए क्या कुछ करेगी इस बात की जानकारी हम आपको देने वाले हैं, और जो भी जानकारी देंगे स्पष्टता के साथ देंगे, सही सही जानकारी देंगे, प्रूफ के साथ देंगे, जिससे किसी भी प्रकार की भ्रमित खबर जो है आप लोग के मन में नहीं होंगे। क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संविदा कर्मचारियों को लेकर सक्रिय हैं, और यह बात मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, यह बात लगातार उन्होंने भी और लगातार उनके मंत्रिमंडल के जो अपर मुख्य सचिव हैं और लगातार मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं वो भी लगातार बात को कह रहे हैं। जिस प्रकार से आप तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारी अपने पूरे कर्मों निष्ठा ईमानदारी के साथ विभाग में अपने बने हुए रहते हैं, काम करते हैं, उससे कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी को लेते हुए तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों के फाइलों में कहीं ना कहीं कुछ भी त्रुटि आने के कारण जो है लगातार कैबिनेट नहीं पहुंच पाती है, या फिर किसी भी कारण बस आप लोग की फाइल कैबिनेट नहीं पहुंच पाती है। मैंने जैसा कि आपको बताया कि सरकार का प्रोपेगेंडा है कि चुनाव से पहले, यानी कि सरकार ने ऐसा कहा है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, कल को होकर के सरकार ऐसा नहीं करेगी फिर आप हम पर ब्लेम लगाइएगा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि सरकार जो कहेगी वही हम आप तक बताएंगे। और आप लोग भी जानते हैं कि इन 5 सालों में सरकार ने कितने सारे नोटिफिकेशन निकाल दिए, लेकिन संविदा कर्मचारियों का आज तक कोई भला नहीं हुआ है। ऐसे में सरकार फिर से एक बार संविदा कर्मचारियों को लेकर अगर सक्रिय हुई है तो उसमें हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ तथ्यहीन हो गई, और साथ ही आप लोगों को लेकर के जो है सरकार चुनाव से पहले कुछ तैयारी जरूर कर रही होगी, ऐसा हो सकता है। ये सरकार का जो है एल्गोरिथम के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आप कल होके मुझ पे ब्लेम लगाए, इसलिए आपको सभी सही जानकारी जो विभागीय स्तर से आ रही वही देने का काम कर रहे हैं। क्योंकि एक बार फिर से जो है आप लोगों को लेकर के यही जो कमेटी जो थी वो आप लोग के लोग लेकर के जो सिफारिश की थी उसमें आप लोग की क्या क्या जो व्यवस्थाएँ सरकार की तरफ से की जाएगी उन तमाम जानकारी को यहाँ पर सौंपा गया है। और जैसा कि आपको बता दें कि फिर से एक बार केंद्रीय ये जो बिहार के जो कैबिनेट मंत्री हैं उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि स्पष्ट रूप से जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उन सभी की जनसंख्या का आकलन किया गया तो 5 लाख ही बताया गया है। ये बात मैं आपको बता रहा हूं, और ये बात कहीं ना कहीं हमें हमारे स्तर से ये सही नहीं है, क्योंकि 6 से 8 लाख के करीब जो है संविदा कर्मचारियों की जनसंख्या है जो बिहार सरकार के सरकारी विभागों में लगातार अपने परस्परता से काम कर रही है। ये बात आप लोग भी जानते हैं, सरकार कुछ आंकड़ों को कम लेकर के चलता है जिससे जो है कहीं ना कहीं गलत इम्पैक्ट ना पड़े इससे। तो इसी को लेकर के जो जानकारी आ रही है मैं आपको देना चाहता हूं, साथ ही किन किन विभागों को लेकर के कहा गया है, साथ ही क्या क्या व्यवस्थाएं आप लोग को लेकर के सरकार करेगी, ये सरकार के एल्गोरिथम के अनुसार जो है कही जा रही है, उसी के अनुसार मैं आपको बताऊंगा कि सरकार ने स्पष्टीकरण देते हुए तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को लेकर उन्होंने सक्रियता एक बार फिर दिखाई है। और जिस प्रकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार एक अन्य मार्ग जो है अपने आवास पर भी लगातार बैठक करते रहे हैं, और आप लोग जानते हैं कि लगातार आप लोग के संगठन के कुछ जो हिस्सा है वो भी सरकार से मिलकर के और आप लोग की बातों को रख रहे हैं, क्योंकि आप लोगों का इंतजार जो है बहुत ज्यादा हो चुका है, और इतना इंतजार ना करवाया जाए कि आप लोग जो है कहीं ना कहीं उस आस को खो बैठेंगे कि सरकार हम लोगों को कहीं भी कभी जो है कोई इस तरह की जो है सहानुभूति देगी भी, इस तरह की जो कह सकते हैं कि हम लोग की जो ह्यूमन राइट्स होती है यानी कि आप लोग की जो राइट्स है वो आप लोग का अधिकार जो है कहीं ना कहीं मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, इस संशय में आप लोग लगातार हैं, क्योंकि कैबिनेट पर कैबिनेट होती जा रही है और संविदा कर्मचारियों को लेकर कुछ भी नहीं हो रहा है। और आप लोग भी जानते हैं कि कैबिनेट से पूर्व मैं तमाम जानकारी आप लोग को सही सही देता हूं, और वही बात कैबिनेट में होती है जिस बात को हम पहले बता देते हैं, क्योंकि आप लोगों ने एक एक संविदा कर्मचारियों ने वर्ल्ड रिपोर्ट को देखा है किस प्रकार से वर्ल्ड रिपोर्ट की टीम और वर्ल्ड रिपोर्ट खुद यानी कि आप लोगों को लेकर के खुद मैं भी कितने जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के अधिकारी के घर पे जाकर के आवास पे जाकर के सरकारी आवास पे जाकर के जहां पर वीडियो बनाने की कोई मतलब राइट्स नहीं होती है, अधिकार नहीं होता है, क्योंकि उनकी नौकरी भी जा सकती है, उस ऐसे हालात में जाकर के और आप लोगों को जानकारी देने का काम करते हैं, लाइव प्रूफ
के साथ साथ ही अपने रिस्क खेल करके उनके रिस्क में डाल करके मैं आप लोगों को जानकारी जो है वहीं से ऑन द स्पॉट दिखाता हूं, जिससे आप लोगों को ये विश्वास हो सके कि कोई ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो इसीलिए आप तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को लेकर सीधे खबर में आगे बढ़ते हैं और जो भी जानकारी आ रही है वो आपको बताने का हम काम करते हैं, क्योंकि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से सक्रियता दिखाए हैं, जिसको लेकर के सामान्य प्रशासन विभाग के जो कह सकते हैं कि जो प्रधान सचिव हैं उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को भी नोटिस डाला था। इस बात का ज्ञापांक संख्या भी हम आपको बता देना चाहते हैं, जाकर के ज्ञापांक संख्या आप लोग चेक कर सकते हैं। 2405 ज्ञापांक संख्या में उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को नोटिस डाला था, ये बात आप लोग जानते होंगे, क्योंकि जो भी खबर होनी चाहिए बिल्कुल सही होनी चाहिए और किसी भी प्रकार से संविदा कर्मचारियों को भ्रमित करने का जो है मंशा नहीं हो, क्योंकि सरकार तो उनके साथ ठग कर ही रही है, ऐसे में चैनल वाला भी उनके साथ ठग करे ये कहीं से सही बात नहीं होगी। अगर वो भी ठगी करेगी तो फिर संविदा कर्मचारी कहाँ जाएंगे? जिस पर आस है, जिस पर आस लेकर के आप लोग लगातार आस बना करके और लगातार चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे में आप लोगों की तमाम जानकारी सीधे सरकार तक इंटरेक्ट कराई जाए, इसको लेकर के लगातार परस्पर से काम होनी चाहिए। और बस ये एक चैनल के माध्यम से नहीं होगा, जिस प्रकार से तमाम चैनलगण इस खबर को ऐसे प्रस्तारित कर रहे हैं ये जरूरी है बिल्कुल सही कर रहे हैं और तमाम लोग करेंगे, तभी जाकर के बात सरकार तक पहुंचेगी और सरकार इस पर जो है कुछ बड़े फैसले लेगी। और सरकार ने जैसा कि अपनी मंशा बताया है उसके अनुसार मैं आपको बता देना चाहता हूं, स्पष्ट रूप से जो है संविदा कर्मचारियों को लेकर के यहां पे आप लोग भी देख रहे होंगे कि 5 लाख को लाभ सरकारी जैसी सुविधाएं वेतन वो सुविधाएं भी आप लोग को सरकार देने को लेकर काम करेगी। और ये जो खबर है सीधे जो है विभागीय स्तर से आ रही है और आप लोग भी जानते हैं, इस खबर को आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन फिर से मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देना चाहता हूं ताकि आप लोगों की जो राइट्स है उसके बारे में आप लोगों को फिर से पता चल सके, क्योंकि संविदा कर्मचारियों की नौकरी जो है यहां पर जैसा कि बताया गया है 60 साल की उम्र तक नौकरी पक्की होगी, कॉन्ट्रैक्ट को हर साल रिन्यूअल नहीं कराना पड़ेगा। यहां पर एक बात आप लोग समझ लीजिए, आप लोग अभी प्राइवेट कर्मी के रूप में काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के रूप में काम कर रहे हैं और आगे भी चल करके सरकार आपको सरकारी कर्मचारी नहीं बनाएगी, आप लोग जिस पद पे काम कर रहे हैं उसी पद पर आप लोगों को सरकार फिक्स कर देगी, आप लोग का नौकरी जो है 60 साल तक हो जाएगा, आप लोगों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं मिलेगा, ये आप भूल में नहीं रहिएगा। और जो भी ये खबर दिखाता है बिल्कुल गलत दिखाता है, क्योंकि सरकार के अधिकारी के पीए से हमारी जो बात हुई तो उन्होंने कहा स्पष्ट रूप से कि सरकार कभी भी संविदा कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों का दर्जा नहीं देगी, इसके लिए सरकार एक अलग से वेटेज निकाली हुई है, उस वेटेज के प्रावधान से ही संविदा कर्मचारी नियमित हो पाएंगे, यानी कि सरकारी कर्मचारी हो पाएंगे, लेकिन नियमित आप लोग हो पाएंगे 60 साल तक आप लोगों की जो नौकरी है वो पक्की हो पाएगी। यानी आप लोग समझ लीजिए कि एक पलड़ा में जो है सरकारी कर्मचारी को रखिए और एक पलड़ा में जो है संविदा कर्मचारियों को रखिए, तो तमाम जो सुविधाएं हैं वो दोनों इक्वल होगी, दोनों बराबर होगी, कुछ का जो है गवर्नमेंट अलाउंसेस जैसा कि मैंने आपको बताया और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स में जो उनका अलाउंसेस है इसमें थोड़ा सा अंतराल रहेगा, बाकी जो आप लोगों को बताया जा रहा है कि ग्रेड पे जैसी सुविधाएं भी आप लोग को लेकर के जोड़ी जाएगी तो वो भी बात जो बिल्कुल है सही है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सरकार डीए ना भीडीए जोड़ रही है, यानी कि भीडीए के जो है तहत जो है आप लोग को तमाम तरह की सुविधा इसीलिए सरकार ने की है कि कहीं ना कहीं जो है सरकारी और कॉन्ट्रैक्ट में एक जो है थोड़ा सा डिफरेंस बना हुआ रहे, ये एकदम से जो सदियों से चलते आया है वही बना रहे, लेकिन तमाम तरह की सुविधाएं सरकारी कर्मचारी जैसी मिले, जैसा कि आप लोग को वेतन मिले, ईपीएफओ मिले, ईएसआई मिले, मेडिकल का सुविधा मिले, सैलरी के हिसाब से आप लोग के महंगाई भत्ता दी जाएगी, शिक्षण में भेजे जाने पर आपको आवागमन का खर्चा मिलेगा। साथ ही यहां पे यह भी कहा गया है कि संविदा कर्मचारियों को जो है तमाम तरह की सुविधाओं में आप लोगों को जिन भी विभागों में ईपीएफओ नहीं मिलता उसमें ईपीएफओ को भी अनिवार्य करने को लेकर के कहा गया।